देखो, ये साल खत्म होने में 20-22 दिन बचे हैं, लेकिन इस महीने 2-3 कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, उनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन अगर आपको आने वाले समय में यानी जनवरी 2023 में नई कार लेनी है तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 अपकमिंग कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको जनवरी 2023 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और जनवरी के महीने में दिल्ली में होने वाला है ऑटो एक्सपो, जहां पर बहुत सारी कार कंपनियां अपनी अपकमिंग कारों को शोकेस करेगी। इसके अलावा बहुत सारी न्यू कारों को लॉन्च किया जाना है। तो अगर आपको भी एक अच्छी कार की तलाश है, आप किसी नए कार का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। जो सबसे पहली कार आती है जिसको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वो है टोयोटा हाईराइडर का CNG मॉडल। ऑलरेडी टोयोटा ने हाईराइडर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा। आज के डेट में हाईराइडर के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। और ये कार माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ लगभग 20 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ इस कार के अंदर आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। और इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को लेने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली इस कार के CNG मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले टोयोटा ने ग्लांजा का CNG मॉडल इंडिया में लॉन्च किया था, और उस लॉन्चिंग के दौरान टोयोटा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो बहुत जल्दी हाईराइडर का CNG मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। और उसी वक्त टोयोटा ने ये भी कंफर्म किया था कि हाईराइडर का CNG मॉडल लगभग 26.1 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगा आराम से। इसके अलावा हाईराइडर के S और G मॉडल के अंदर आपको CNG किट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी अच्छी खासी बात है। और इन दोनों ही मॉडल के अंदर अच्छे खासे फीचर्स टोयोटा ने ऑफर करे हैं। और इन दोनों ही मॉडल को खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल G और S वेरिएंट। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने या फिर इस महीने के एंड तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो है MG हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल। अब हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल काफी ज्यादा अपडेट हो चुका है, और रिसेंटली MG कंपनी ने इसका टीजर वीडियो रिलीज किया था। इसके अलावा इस कार को बहुत बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइड भी किया जा रहा है, और इस कार के अंदर अब आपको काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े चेंजेस इन द सेंस, इस कार का एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, यानी इस कार के फ्रंट के फीशा में आपको अपडेटेड ग्रिल का सेटअप मिलेगा। लाइटिंग सेटअप को भी काफी ज्यादा अपडेट किया है, फ्रंट के बम्पर्स रियर के बम्पर्स को रीडिजाइन किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इंटीरियर भाई आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। इस कार के अंदर आपको बड़ा 14 इंचेस का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि काफी बड़ा है साइज में। इसके अलावा नया मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी दिया जाएगा, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स MG कंपनी इस कार के अंदर ऑफर करने वाली है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर MG कंपनी इस कार के अंदर ऑफर करने वाली है, वो है ADAS टेक्नोलॉजी, यानी आपको ADAS टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा MG हेक्टर के अंदर। और MG कंपनी सेम टेक्नोलॉजी का यूज एस्टर के अंदर करती आ रही है। इसके अलावा ग्लॉस्टर के अंदर भी आपको ADAS टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हेक्टर के अंदर आपको सेम टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, जिसके तहत आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। MG हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, और इस कार की कीमत थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड और फोर्थ नंबर की कार आती है, इनका भी फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, वो है टाटा की हैरियर और दूसरी है टाटा की सफारी। इन दोनों ही कारों के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट रहेगा, वो रहेगा इंजन के अंदर। अब इन दोनों ही कारों के अंदर आपको नया पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। आज के डेट में दोनों ही कारों के अंदर सिर्फ डीजल इंजन दिया जाता है, लेकिन अगले महीने इन दोनों ही कारों के अंदर आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। टाटा कंपनी इन दोनों ही कारों के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देने वाली है, जिसके तहत ये कार लगभग 170 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो अब टाटा हैरियर और टाटा सफारी के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको काफी पावरफुल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और इस इंजन के अलावा दोनों ही कारों के अंदर ADAS टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि अच्छी खासी बात है। और एक्सटीरियर में काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकती है टाटा कंपनी, और इंटीरियर के बहुत सारे फीचर्स को अपग्रेड किया जा सकता है। सब कुछ चीजें हमें अगले महीने पता चल जाएंगी, जैसे ही टाटा कंपनी इन दोनों ही कारों को इंडिया में लॉन्च करती है, मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है, जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, वो है महिंद्रा थार का 5-डोर वाला मॉडल। अभी फिलहाल के लिए महिंद्रा थार का 5-डोर वाला मॉडल टेस्टिंग फेज में है। इस कार की टेस्टिंग लद्दाख में चल रही है, और रिसेंटली इस कार के बहुत सारे वीडियोस और फोटोज ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। अब ये पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, यानी 3-डोर के मुकाबले इस कार के डायमेंशंस बढ़ाए जाएंगे। इस कार की लेंथ, विड्थ और हाइट आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलने वाली है, यानी जिस तरह से जीप की रैंगलर दिखती है, सिमिलरली आपको महिंद्रा थार का 5-डोर वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो इसकी मदद से इस कार का रोड प्रेजेंस भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, और इस कार के अंदर महिंद्रा कंपनी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकती है। इसको भी अगले
महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3-डोर मॉडल के मुकाबले 5-डोर वाले मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये 5 कारें थी, इन 5 कारों को अगले महीने यानी जनवरी 2023 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इसके अलावा बहुत सारी न्यू कारों को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में ऑटो एक्सपो होने वाला है, वहां पर बहुत सारी न्यू कारों को रिवील किया जाएगा और कुछ कारों को लॉन्च भी किया जाना है। और ये वाला जो ऑटो एक्सपो होने वाला है दिल्ली में, इसको मैं कवर करने वाला हूँ, यानी हर एक कार के अपडेट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।